हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जाने कितने ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हम शक्ल से तो बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन उनका नाम हमें नहीं मालूम होता है। ऐसे ही एक कलाकार की कहानी आज किस्सा टीवी कहने वाला है। इनका चेहरा देखकर आपको यकीनन याद आ गया होगा कि आपने इन्हें कई फिल्मों में देखा है, मगर इनका नाम अली खान है ये आपको शायद पहले मालूम नहीं होगा। बिहार के गया के रहने वाले अली खान कई सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। तो किस्सा टीवी पर आज पेश है कहानी अभिनेता अली खान की। अली खान बिहार से मुंबई कैसे पहुंचे और फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें किस तरह से अपनाया, ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। अली खान गया जिले के एक ऐसे गांव में पैदा हुए हैं जहां इनका परिवार संभ्रांत परिवारों में गिना जाता था। इनके पिता के पास पुश्तैनी जमीन थी और इनके पिता खेती किसानी करके अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। स्कूल के दिनों में ही इन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों से ही इन्हें प्रख्यात मायापुरी मैगजीन पढ़ने का मौका मिलने लगा। मायापुरी मैगजीन के जरिए ये फिल्मी सितारों और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानकारियां हासिल किया करते थे। उस वक्त ये सोचते थे कि काश एक दिन इनके बारे में भी मायापुरी मैगजीन में कुछ छपे। स्कूल के दिनों में शुरू हुआ नाटक करने का वो सिलसिला आगे कॉलेज तक भी चला और मगध यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के दौरान भी ये कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते रहते थे। उन्हीं दिनों में इनके कुछ साथियों ने इन्हें फिल्म लाइन में जाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। अली खान के दिल के किसी कोने में एक्टर बनने की ख्वाहिश तो बचपन से ही मौजूद थी। दोस्तों के हौसला अफजाई करने पर उस ख्वाहिश को मानो अचानक पंख लग गए। ये मुंबई जाने के लिए बेचैन हो उठे। आखिरकार सन 1975 को ये अपने बड़े बहनोई के साथ मुंबई पहुँचे। दरअसल इनके बहनोई के पिता हज करके भारत वापस लौट रहे थे और इनके बहनोई इन्हें साथ लेकर अपने पिता को लेने मुंबई गए थे। मुंबई आए तो इन्होंने अपने एक कज़िन से फिल्म की शूटिंग दिखाने की गुजारिश की। इत्तेफाक से इनका वो कज़िन संजय खान का असिस्टेंट था। इनके गुजारिश करने पर इनका वो कज़िन इन्हें अपने साथ आरके स्टूडियो ले गया। आरके स्टूडियो के एक सेट पर अमिताभ बच्चन कस्मे वादे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। आरके स्टूडियो में ही एक और सेट पर प्रख्यात विलेन रंजीत भी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद जैसे ही अमिताभ बच्चन और रंजीत ने ब्रेक लिया तो अली खान इन दोनों ही स्टार्स से मिले और ऑटोग्राफ लिए। अली खान की ज़िंदगी में ये दिन एक बहुत बड़ा और निर्णायक साबित हुआ। अभिनेता बनने की उनकी इच्छा और ज़्यादा प्रबल हो गई, लेकिन अभी तक इन्होंने ये फैसला नहीं किया था कि इन्हें हर हाल में एक्टर ही बनना है। ये फैसला इन्होंने किया 5 साल बाद, यानी सन 1980 में। मुंबई की अपनी वो ट्रिप ख़त्म करके अली खान वापस अपने शहर गया लौट आए। अली अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। बीएससी कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एलएलबी में दाखिला ले लिया। नाटकों से अली अभी भी जुड़े हुए थे। इनके मन में रह रहकर बेचैनी उठती थी कि आखिर कभी अपना ख्वाब पूरा करने मुंबई जाएंगे। इन्हें मुंबई जाना चाहिए भी या नहीं, मगर जब सन 1980 में इनके एक दोस्त ने इन्हें सरगम फिल्म दिखाई और इनसे कहा कि ये हूबहू शक्ति कपूर जैसे दिखते हैं, तो इन्होंने तय कर लिया कि अब ये एक्टर बनने मुंबई ज़रूर जाएंगे। इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच किसी तरह इनकी मुलाकात शत्रुघ्न सिन्हा के मामा से भी हो गई और उन्होंने इनके लिए एक चिट्ठी भी लिख दी। फिर एलएलबी बीच में ही छोड़कर ये मुंबई आ गए और यहाँ आकर एक 5-स्टार होटल में रुके। मुंबई आने के बाद इन्होंने खुद को अभिनेता की तरह तराशना शुरू कर दिया। इन्होंने फाइट सीखी, डांस सीखा,
छोटे मोटे एक्टिंग कोर्स भी किए। फिर एक दिन ये शत्रुघ्न सिन्हा से मिले और उन्हें उनके मामा की लिखी चिट्ठी दिखाई। मामा की चिट्ठी देखने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने इनसे वादा किया कि वो इन्हें कोई ना कोई काम जरूर देंगे। शत्रु ने अपना वादा निभाया और इन्हें अपनी फिल्म कालका में गोपी का रोल दिया। इस तरह कालका फिल्म इनके करियर की पहली फिल्म बनी। उस फिल्म से इन्हें कुछ खास पहचान तो नहीं मिली, लेकिन बतौर एक्टर इनका आगाज ज़रूर हो गया था। जहां पहली फिल्म में काम करने के बाद ये काफ़ी उत्साहित थे, तो वहीं इनके पैसे ख़त्म हो रहे थे और इन्हें उसकी भी फिक्र हो रही थी। आखिरकार फाइव स्टार होटल से निकलकर ये खार की झोपड़पट्टी में रहने आ गए। वहाँ से ये रोज़ फिल्मों में काम मांगने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाने जाते थे और फिर शाम को वापस लौट आते थे। इस दौरान इन्हें अल्लाह रखा और तूफान जैसी फिल्मों में काम भी मिला। जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका भी इन्हें मिला, लेकिन इनका करियर रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि खार की झोपड़पट्टी में रहना भी इनके लिए मुश्किल हो गया। तंगियों से ये इतना निराश हुए कि इन्होंने वापस अपने घर लौटने का फैसला कर लिया। मगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने घर वापस जाने का फैसला छोड़ दिया और फिर से अपना ख्वाब पूरा करने के लिए ये जी जान से जुट गए। मुंबई आकर अली खान को कुछ फिल्मों में बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका ज़रूर मिला था, लेकिन इनकी ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म होने की बजाय बढ़ रही थी। इस दौरान इनकी दोस्ती मुंबई में रहने वाले एक शायर से हो गई थी, जो कि इत्तेफाक से इनके इलाके के ही रहने वाले थे। उस शायर को ही इन्होंने पहली दफ़ा बताया था कि दिन भर फिल्म स्टूडियोज़ की खाक छानने के बाद रात को ये प्लेटफॉर्म किनारे अपनी झुग्गी में सोते हैं तो एक चूहा इनके पैर की उंगली काटता है और फिर इनका खून पीता है। उसी शायर को जब पता चला कि अली खान निराश होकर वापस गया जा रहे हैं, तो उसने इन्हें एक शेर सुनाकर इनसे वापस ना जाने की गुजारिश की। वो शेर था, उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान हो जाएं। उस शायर की बात ने इनके दिल पर गहरा असर किया। इन्होंने गया वापस लौटने का अपना फैसला छोड़ दिया और खुद से कहा कि मैंने इस शहर को अपना खून दिया है, ऐसे तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उस दिन के बाद अली खान फिर से जी जान से मेहनत करने में जुट गए। जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें सोमाली दरवेश नाम की एक इंटरनेशनल फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस फिल्म की शूटिंग सोमालिया व ईस्ट अफ्रीका के कई और देशों में हुई थी। उस फिल्म से भले ही इन्हें पहचान ना मिल सकी हो, लेकिन पैसा अच्छा खासा मिल गया था। उस पैसे की मदद से इन्होंने मुंबई में अपना एक 1 BHK फ्लैट खरीद लिया था। इसके बाद फिर कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया और आखिरकार जब फिल्म खुदा गवाह में एक एक्टर ने अपना रोल निभाने से इनकार कर दिया, तो इन्हें वो रोल दिया गया था। वो था हबीबुल्लाह का रोल। उस रोल को इन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से निभाया कि सारे देश में ये मशहूर हो गए। खुद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उस रोल के लिए इनकी खूब तारीफ की थी। अपने अब तक के फिल्मी करियर में अली खान ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, न केवल हिंदी बल्कि इन्होंने तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया है। केवल फिल्मों में ही नहीं, अली खान ने टीवी के भी कुछ चर्चित शोज़ में काम किया है। संजय खान के टीपू सुल्तान और द ग्रेट मराठा में इन्होंने काम किया है। साथ ही B.R. चोपड़ा की महाभारत में इन्होंने भगवान यक्ष का किरदार भी निभाया है। अपने दौर के जाने माने एक्टर शफी इनामदार की चचेरी बहन से इन्होंने शादी की है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। इनका बेटा फैयाज भी आज एक डायरेक्टर बन चुका है। फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम करने के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ अली खान की बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई है। अमिताभ भी अली खान को इतना मानते हैं कि उनके बेटे फैयाज और बेटी की शादी में अमिताभ तमाम व्यस्तताओं के बीच वक्त निकाल कर पहुँचे। अमिताभ के अलावा रजा मुराद से भी अली खान की बढ़िया दोस्ती है। संघर्ष के दिनों में रजा मुराद के साथ अली खान काफ़ी वक्त बिताते थे। इन दिनों अली खान राजनीति में
खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आए दिन राजनीति से जुड़े लोगों से मिलते रहते हैं। 2020 में हुए बिहार चुनाव में उनके आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। मुश्किल हालातों से लड़कर अपना एक अलग मुकाम बनाने वाले अली खान वाकई में काबिले तारीफ शख्सियत हैं। किस्सा टीवी उनकी अच्छी सेहत और सुनहरे भविष्य की कामना करता है। जय हिंद।